आज 1 जुलाई को अब्दुल कयूम अंसारी का जन्मदिवस है, जो दलित मुस्लिम, ओबीसी मुस्लिम, पसमाना समाज के महान नेता और समाज सुधारक थे। आज इस शुभ अवसर पर आप सर्व समाज सेवकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं आपके माध्यम से तमाम दलित मुस्लिम, ओबीसी मुस्लिम, दलित कुचले मुसलमानों को, बल्कि तमाम सभी लोगों को उनके जन्म दिवस के मौके पर सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही खास करके ये गाजीपुर के रहने वाले थे, गाजीपुर के ग्राम नोली में इनकी पैदाइश हुई थी। वहाँ के पत्रकारों को, इलाहाबाद के पत्रकारों को और तमाम आपके माध्यम से मुबारकबाद देते हुए अपनी बात को, वो आपने कहा कि संदेश क्या देना चाहते हैं, उनका मिशन था कि किस तरह से समस्त सर्वजन जो दलित थे, कुचले हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। एजुकेशनल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कही, वो भी सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से। तो जो उनका मिशन था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का मिशन था, सावित्रीबाई फुले का जो मिशन था, बीपी मंडल, बीपी सिंह साहब का, अली हुसैन आसिम बिहारी का जो मिशन था सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो रिफॉर्म करना था, उनको हमें आगे बढ़ना है। गरीबों का, दलितों के हकूक के लिए, हक के लिए हमको आगे संघर्ष करना, आगे बढ़ना है, ये उनका था। और जो मेन जो उनका था कि इस्लाम में जो है कास्ट क्लास सिस्टम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में इस्लाम में है। हमारे यहाँ अशरफिया अजलाफ अजाल की बात कही गई है, दलित मुस्लिम की बात कही गई है, तो उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया कि भाई हम लोग सब लोग बराबर हैं, और ये तब तक नहीं संभव है जब तक आप तालीमी तौर पे और इकोनॉमिक तौर पे आपका इम्पावरमेंट नहीं होगा। यहाँ पे ये इसके लिए जरूरी है कि जो भी दलित, ओबीसी, मुस्लिम्स हैं या पसमांदा लोग हैं, उनमें सियासी समाजी शऊर आए, और इसके लिए जरूरी है कि उनको शिक्षित होना, संगठित होना, और संगठित होने के बाद अपने राइट्स के लिए संघर्ष करना, और उसके साथ साथ जो उनके साथ सप्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डिप्राइवेशन हो रहा है, उसके लिए संघर्ष करना। अभी हाल ही में बंगाल के जिस तरह से दलितों ने, ओबीसी ने, मुसलमानों ने, मतलब अल्पसंख्यकों ने जिस प्रकार सामाजिक शोर का, सियासी शोर का, सियासी बेदारी का जो सबूत दिया, देखा कि उन्होंने कम्युनल एलिमेंट्स को, पूंजीवादी ताकतों को और मनवादी ताकतों को वहां से उखाड़ फेंका। इसी प्रकार आने वाले दिन जो अभी 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं, खास करके अपने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, इनमें तमाम जो है कम्युनल एलिमेंट्स को उखाड़ फेंकने, अगर ये चाहेंगे तो ये संभव हो पाएगा, अगर इनमें सियासी समाजी बेदारी होगी, एक एकजुटता होगा, संगठित होंगे। मुस्लिम समाज में अगर देखा जाए तो 75-85% जो है दलित मुस्लिम, ओबीसी मुस्लिम से, उसमें भी 60-65% जो है अंसार, रायनी समाज, कुरेश समाज के लोग हैं, और तीनों ही इन बिरादरी के लोगों का प्रतिनिधित्व जो है, नेतृत्व जो है, सियासत में नहीं है। उसका वजह यह है कि इनके पास में जो है सियासी और सामाजिक शोर नहीं है। इन्होंने ढेर सारे ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, मुझे कुरैश समाज के, रानी समाज के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन ताजुली उनकी भी संगठन है, लेकिन सिर्फ अंसारियों बिरादरी में या मोमिन अंसार में, अंसार बिरादरी में कम से कम 4-5 उनके ऑर्गेनाइजेशन हैं, और कोई ऐसा स्टेट नहीं है राजस्थान से लेकर बंगाल से लेकर यूपी, बिहार, इवन मध्य प्रदेश पे और साउथ इंडिया में, लेकिन उनके जो पदाधिकारी हैं, जो सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कोई ऐसा कोई ठोस काम नहीं किया है, और यही वजह है कि जो उनको मिलना चाहिए, हासिल होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है। और उनके मुखिया जो है अगर देखा जाए तो सिर्फ अपने आप को सेल्फ प्रमोट के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा उनका काम जो है नेशनल कॉन्टेक्स्ट में, स्टेट कॉन्टेक्स्ट में और दलित मुसलमानों के, ओबीसी मुसलमानों के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो पा रहा है। उनका नेशन बिल्डिंग के नाम पर होना चाहिए, स्टेट के कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारे दलित, ओबीसी, मुस्लिम जो है इकोनॉमिक एजुकेशन के नाम पर होगा, तब हो पाएगा। आखिर में एक बार फिर मैं आपके माध्यम से इस मौके पर खास करके वीर अब्दुल हमीद के योम पैदाइश और अब्दुल कयूम अंसारी साहब के पैदाइश के मौके पर आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, इस आशा, इस उम्मीद के साथ कि इनके मिशन को आप सब लोग आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।